नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 20वीं सदी की सोच के साथ 21वीं सदी के भारत की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। कहा, तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% हुई। देश भर में अब तक 40 करोड़ से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। बिहार में कोविड रोधी 2,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। 30 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दी गई। मध्य प्रदेश में विदिशा कुआं दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की। कर्नाटक के कई तटीय क्षेत्रों और मलनाड क्षेत्र में भारी बारिश। मदिकेरी मंगलुरु राजमार्ग भूस्खलन से बाधित। पश्चिमी यूरोप में बाढ़ से 125 लोगों की मौत। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और अधिभान भास्करन फिडे चेस विश्व कप के दूसरे राउंड में जीते। क्रिकेट में 2020 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा। भारत पाकिस्तान की टीम एक ही ग्रुप में। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि बेहतर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना है जिसकी अपनी विशेषताएं हों। प्रधानमंत्री कल गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने गांधीनगर के नवनिर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन और उसके ऊपर बने 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के रेलवे सेक्टर में सुधार की जरूरत है और सरकार एक सेवा के तौर पर इसके आधुनिकीकरण के अलावा इसे एक परिसंपत्ति के रूप में भी विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के रेलवे स्टेशन भी वाईफाई सुविधा से लैस किए जा रहे हैं। 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के निर्माण की विकास रेल दोहरी पटरी पर आगे बढ़ती रहेगी। एक पटरी आधुनिकीकरण की होगी और दूसरी किसानों, निर्धनों और मध्यम वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के हाल के प्रयासों से देश का रेलवे नेटवर्क अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजधानी स्टेशनों तक पहुंच गया है। गुजरात साइंस सिटी में नई परियोजना के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अध्ययन और रचनात्मकता के जरिए बच्चों के स्वाभाविक विकास में मदद मिलेगी। साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है। इसमें ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। इसमें खेलकूद है, मौज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है।
इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया है उनका उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास और पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहां विश्व के अनेक देशों में कोविड महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में विकास कार्य निर्बाध जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमण वाले राज्यों को तीसरी लहर की आशंका रोकने के लिए कारगर उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में नए संक्रमित लोगों का लगभग 80% देश के 6 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल में होने पर चिंता व्यक्त की। जांच, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार और टीकाकरण पर विशेष बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आपसी सहयोग और एकजुट उपायों से इस महामारी से निपट रहा है। बीते 1.5 साल में देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से किया है। सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में यूरोप, अमरीका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है। ये भारत के लिए भी खतरे का संकेत है जो स्पष्ट कर रहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को नए आईसीयू बिस्तर और परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहयोग दिया गया है। उन्होंने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के आपात चिकित्सा पैकेज की केंद्र सरकार की घोषणा का उल्लेख किया। देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को इस पैकेज का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने में करना होगा। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को आवंटित 332 ऑक्सीजन संयंत्र में से 53 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से संयंत्र लगाने के काम में तेजी लाने को कहा। श्री मोदी ने बच्चों को संक्रमण से बचाने का हर संभव उपाय करने का विशेष रूप से उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण में वृद्धि चिंता का विषय है। उन्होंने विशेषज्ञों की राय का उल्लेख किया कि यदि संक्रमण लंबे समय तक बढ़ता रहेगा तो कोरोना वायरस का म्यूटेशन भी बढ़ेगा और नए वेरिएंट का खतरा बना रहेगा। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए वैक्सीन को प्रभावी उपाय बताते हुए प्रधानमंत्री ने टीकाकरण पर बल दिया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए किए गए उपायों की जानकारी दी और संक्रमण की संभावित वृद्धि रोकने के सुझाव दिए। उन्होंने रोगियों में कोविड बाद की समस्याओं और आवश्यक सहयोग पर भी विचार किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के उपचाराधीन मरीजों की दैनिक संख्या में लगातार कमी आ रही है और ये 97.3% हो गई है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 मई को सबसे अधिक लगभग 4,14,000 लोग संक्रमित हुए थे, उसके बाद से संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। सेकेंड वेव में देश में 4,14,000 प्रतिरोज के औसत से केसेस आ रहे थे, जो अब काफी हद तक घट चुके हैं और पिछले 24 घंटे में देश में 38,049 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ एवरेज डेली केसेस, जहां औसतन 3,87,029 केसेस प्रतिरोज 5 से 11 मई वाले हफ्ते में आ रहे थे, उसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन नोट हो रहा है और पिछले एक हफ्ते का अगर हम औसत देखें तो देश में प्रतिरोज करीब 40,000 केस औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि 4 मई तक देश में 531 ऐसे जिले थे जहां से प्रतिदिन 100 से अधिक लोगों में संक्रमण हो रहा था। अब इन जिलों की संख्या घटकर 73 हो गई है।
जहां देश में 10 मई के समय पर 37 लाख के करीब केसेस थे, उसमें काफी कमी आई है और घटते घटते वह अब 4,30,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। उसी के साथ ही रिकवरी रेट जो देश में करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, वह बढ़कर अब 97.3% हो चुका है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 47 जिले ऐसे हैं जिनमें 10% से अधिक संक्रमण हो रहा है। इनमें मणिपुर के 9 और केरल के 8 जिले शामिल हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि इन जिलों में जांच तेज करने और रोकथाम उपायों को सख्त करने की जरूरत है। संयुक्त सचिव ने कहा कि हम एक संक्रमण की बीमारी से लड़ रहे हैं, इसलिए हमें इससे बचाव करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। देश में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत करीब 40 करोड़ लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 21 जून से शुरू हुए कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 39,93,62,514 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। कल 38,79,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 16,35,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली जबकि 2,11,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 12 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से अब तक 45,58,000 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। गुजरात के 8 शहरों में कोविड के कारण लागू रात्रि कर्फ्यू 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि वाटर पार्क और तरणताल 60% क्षमता के साथ 20 जुलाई से खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कल शाम गांधीनगर में हुई कोर समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वाटर पार्क और स्विमिंग पूल को फिर से खोलने के लिए इनके कर्मचारियों के लिए टीके की कम से कम एक खुराक लेनी अनिवार्य होगी। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर और गांधीनगर में लागू रात 10 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू 31 जुलाई तक जारी रहेगा। निजी और सरकारी नॉन एसी बसें पूरी क्षमता से और एसी बसें 75% की क्षमता से चलाई जा सकेगी, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर ने टीके की कम से कम पहली खुराक लेनी अनिवार्य होगी। इस बीच गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के 39 नए मामले दर्ज हुए। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 98.70 हो चुकी है। कल राज्य में 2,73,547 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एनके स्टालिन ने अधिक छूट के साथ कोविड लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और राज्य में कोविड बचाव कार्य में लगे अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार विवाह समारोह में 50 लोगों और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने का नियम जारी रहेगा। सभी गतिविधियां कोविड मानकों का पालन करते हुए संचालित होंगी। केरल में कोविड संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। कल 13,750 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 130 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या 15,155 हो गई है। इस समय राज्य में 1,21,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच बकरीद त्योहार को ध्यान में रखते हुए राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों में 18, 19 और 20 जुलाई को 3 दिन के लिए छूट दी जाएगी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा कपड़े, बिजली और आभूषण की दुकानें खोलने की भी अनुमति रहेगी। उधर राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान मातृ कवचम कल से शुरू हुआ। ओडिशा सरकार ने सभी विभागों और सहायक कार्यालयों में कर्मचारियों की पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करने को कहा है। कल जारी आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है उनके लिए कार्यालय आना अनिवार्य है। जिन कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें संबंधित अधिकारी से कार्यालय आने में छूट के लिए आवेदन करना होगा। भीड़ संबंधी गतिविधियों पर रोक, अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर प्रतिबंध, कोविड प्रभावित इलाकों में बाजार खुलने पर रोक और रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेंगे। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने बताया है कि कोविड की संभावित तीसरी लहर के दौरान
पालन किए जाने वाले उपचार मानकों के बारे में डॉक्टरों के लिए राज्यव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु में कल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि बाल रोग के डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने तीसरी लहर के दौरान कोरोना से संक्रमित होने वाले बच्चों के लिए विभिन्न उपचार मानकों का सुझाव दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने सुझाव दिया है कि तीसरी लहर के समय डॉक्टर्स द्वारा लिए जाने वाले कदमों के ऊपर वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो को सभी डॉक्टर्स तक पहुंचाने का निर्देश भी उन्होंने दिया। मंत्री जी ने कहा कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवी शेट्टी के नेतृत्व में बने कमेटी द्वारा तीसरी लहर को लेकर आवश्यक पूर्व तैयारी पर सुझाव दिया गया है और सरकार उसका पालन कर रही है। सभी जिला अस्पतालों में बच्चों का वार्ड खोला जा रहा है। मंत्री जी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 23,000 करोड़ रुपया राज्य को उपलब्ध हुआ है, जिसकी मदद से अस्पतालों में सुधार लाया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। अंकित मग्गू और साहिल नाम के दो युवाओं ने पिछले वर्ष अक्टूबर में कोविड महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म गीगस्टर बनाया था। ये प्लेटफॉर्म लोगों को रोजगार कौशल सिखाता है ताकि उन्हें रोजगार ढूंढने में मदद मिल सके। ये प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को कौशल बढ़ाने के बाद नियोक्ताओं से जोड़ता है। आकाशवाणी से बातचीत में अंकित मग्गू ने बताया कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मनपसंद नौकरी खोजने के लिए किया जा सकता है। स्टूडेंट को सिर्फ अप्लाई करना है हमारी वेबसाइट पे geekster.in पे अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ। उसके बाद हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव उनको कॉल करते हैं, स्टूडेंट का बैकग्राउंड समझा जाता है, किस तरह की स्किल्स उनको ऑलरेडी हैं और क्या करियर एस्पिरेशन स्टूडेंट रखता है, किस तरह की जॉब स्टूडेंट करना चाहता है, उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना बेस्ट प्रोग्राम स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा, जिसमें आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं और सबसे अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। अंकित ने बताया कि शुरुआत में छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। गीगस्टर नियोक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 80% विद्यार्थियों को रोजगार मिल चुका है। स्टूडेंट को एक असेसमेंट टेस्ट देना होता है बेसिक, जिसमें हम उनके स्किल्स टेस्ट करते हैं कि वो किस तरह के स्किल्स ऑलरेडी रखते हैं। जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उसके बाद वो एडमिशन लेते हैं प्रोग्राम में और शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की। हमारी एक्सपेक्टेशन से स्टूडेंट से यही रहती है कि वो काफी मेहनत करेंगे प्रोग्राम में। उसके अलावा हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं शुरू में। स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ तभी फीस देनी है जब उसकी जॉब की शुरुआत हो चुकी है, जब एक स्टूडेंट से प्रोफेशनल बन चुका है। लोकप्रियता के कारण गीगस्टर के पास अब अपने प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों की तुलना में नियोक्ताओं की संख्या अधिक हो गई है। बिहार में 2,85,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। 30,00,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। पटना में अधिकांश लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों में टीकाकरण अभियान में और गति लाने के निर्देश दिए। इस बीच बिहार में कोविड संक्रमण में कमी आई है। राज्य में कोविड से उबरने की दर बढ़कर 98.56% हो गई है, जबकि संक्रमण दर 1% से नीचे आ गई है। अररिया, मुंगेर और बक्सर सहित 10 जिलों में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय: मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं: कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 1457। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 1443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 20वीं सदी की सोच के साथ 21वीं सदी के भारत की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। कहा, तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% हुई। देश भर में अब तक 40 करोड़ से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। बिहार में कोविड रोधी 2,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। 30 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दी गई। मध्य प्रदेश में विदिशा कुआं दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई। प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। कर्नाटक के कई तटीय क्षेत्रों और मलनाड क्षेत्र में भारी वर्षा। मदिकेरी मेंगलुरु राजमार्ग भूस्खलन से बाधित। पश्चिमी यूरोप में बाहर से 125 लोगों की मौत। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और अधिमान भास्करन शतरंज विश्व कप के दूसरे राउंड में जीते। और क्रिकेट में 2020 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा। भारत पाकिस्तान की टीम एक ही ग्रुप में। मध्य प्रदेश में विदिशा कुएं हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। बृहस्पतिवार रात से शुरू हुए बचाव कार्य कल दिन भर चला और 11 शव निकाले जाने के बाद रात में बंद कर दिया गया। कुएं से 19 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मारे गए लोगों के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों और मलनाड क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही है। मदिकेरी मेंगलुरु राजमार्ग जमीन धंसने की घटनाओं के कारण बाधित है। भारी वर्षा होने से कारवाड़ मार्ग पर पानी भरा हुआ है। हारंगी जलाशय में जलस्तर 8,000 क्यूसिक फीट तक बढ़ गया है। कर्नाटक के मौसम विभाग के निदेशक सीएस पाटिल ने बताया है कि दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, चिकमंगलूर, शिवमोगा, हासन और काडगू में कल बहुत वर्षा होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेलगावी, धारवाड़, हवेली, बीदर, कुलबर्गी, चामराजनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन स्थानों पर आज भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी यूरोप में बाढ़ से 125 लोग मारे गए हैं। पश्चिम जर्मनी और बेल्जियम में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 1,000 से अधिक लोगों के लापता होने का समाचार है। कई इलाकों से संपर्क कट गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बेल्जियम में 20 लोगों के मारे जाने और इतने ही लोगों के लापता होने की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2020 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा कर दी है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के एक दिवसीय विश्व कप में आमने सामने आई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब केवल 7 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करते हैं महिला तलवारबाज भवानी देवी के बारे में। भवानी देवी का जन्म 27 अगस्त 1993 को चेन्नई में हुआ। भवानी ने इस वर्ष 15 मार्च को ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वे भारत की पहली तलवारबाज हैं। विश्व में 42वें रैंकिंग वाली भवानी तलवारबाजी की सेबर स्पर्धा में निपुण हैं। यह स्पर्धा 2004 एथेंस ओलंपिक्स में शामिल की गई थी। भवानी ने वर्ष 2009 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में तथा 2010 में थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओपन में कांस्य पदक जीता। उन्होंने वर्ष 2014 में फिलीपींस में 23 वर्ष से कम आयु वर्ग की एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अगले वर्ष उन्होंने फ्लेमिश ओपन में कांस्य पदक हासिल किया। इस समय इटली में प्रशिक्षण ले रही भवानी से टोक्यो में शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तीर की तरह चल तू खेला निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं, पता है eirsportscan@gmail.com। लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना।
रूस के सोची में शतरंज विश्व कप में भारत के ग्रैंड मास्टर अधिभान भास्करन और आर प्रगणानंदा तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में द्रोणावल्ली हरिका ने इंडोनेशिया की मेडिना को हराया। भक्ति कुलकर्णी और पद्मिनी राउत की बाजियां ड्रॉ रही। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और प्रियंका अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, राष्ट्रीय सहारा लिखता है भारत संक्रमण की तीसरी लहर के मुहाने पर, यूरोप में केस बढ़ने के मिल रहे हैं संकेत। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दुनिया के तीसरी लहर की तरफ तेजी से बढ़ने को देखते हुए अगले 100 दिन बहुत अहम, लिखा है दैनिक भास्कर ने। राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रीय सहारा की खबर है बच्चों के लिए वैक्सीन का परीक्षण अंतिम चरण में। हरिभूमि ने लिखा है बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल जल्द ही होने वाला है पूरा। जनसत्ता ने भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दकी के कंधार में अफगान सैनिकों और आतंकवादियों के बीच भीषण लड़ाई के दौरान मारे जाने की खबर सुर्खियों में दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति को शव सौंपा। राजस्थान पत्रिका लिखता है कैमरे के बहादुर योद्धा को जंग के मैदान में मौत ने दबोचा, शानदार सफर थमा। महाराष्ट्र में प्रशिक्षण विमान गिरने से पायलट की मौत की खबर अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है सोशल मीडिया पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम की जगह इमोजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। पत्र लिखता है भावनाओं के इजहार में शब्दों से ज्यादा सशक्त बने इमोजी। जापान में 1999 में 176 इमोजी का सेट तैयार किया गया था। जानकारी को आसान बनाने के लिए इसे तैयार किया गया था और धीरे धीरे यह वैश्विक भाषा बनती गई। दैनिक जागरण ने विशेष शीर्षक से लिखा है कोरबा में जंगल से जड़ी बूटी एकत्रित कर औषधि बनाने से नाम और पैसा कमा रही हैं महिलाएं। वार्षिक कारोबार 44 लाख रुपए पहुंचा। छत्तीसगढ़ के वन अंचल की महिला समूह ने जीविका कमाने के लिए इकाई लगाई। पत्र लिखता है वन विभाग ने सहयोग किया, महिलाओं ने लाभ में से किस्तों में सहयोग राशि वापस की। मूसलाधार वर्षा के बाद मुंबई की सड़कों में भरे पानी के जमाव की खबर लोकसत्र ने चित्र सहित पहले पन्ने पर दी है। अखबारों ने यूरोप में बाढ़ से आई आपदा के चित्र भी साथ ही दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 20वीं सदी की सोच के साथ 21वीं सदी के भारत की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। कहा तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% हुई। देश भर में अब तक 40 करोड़ से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। बिहार में कोविड रोधी 2,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। 30 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दी गई। मध्य प्रदेश में विदिशा कुआं दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की। कर्नाटक के कई तटीय क्षेत्रों और मलनाड क्षेत्र में भारी बारिश। मादिकेरी मंगलुरु राजमार्ग भूस्खलन से बाधित। पश्चिमी यूरोप में बाढ़ से 125 लोगों की मौत। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा और अधिभान भास्करन चेस विश्व कप के दूसरे राउंड में जीते। क्रिकेट में 2020 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा। भारत पाकिस्तान की टीम एक ही ग्रुप में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।